फल फलाली के छांव के झाड़ा भी अनार के जाम के आंवला जामुन और नीम का करंज का एक बादम का ये सात रकम के झाड़ा हजार नहीं 10,000 झाड़ा होना है तो भी हमें उतारते हैं। आज का पर्पस क्या भी नहीं भाई, लास्ट वीक आई हूँ मैं यहाँ, सबको बोली हूँ मैं लोगों को यहाँ के, हफ्ते के दिन बोल को गई हूँ, दूसरे दिन एक जना भी आया नहीं, फिर भी हमें सब भी मिलकर पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से 30 लोगों को यहाँ के नहीं, सबको ईद के नमाज के टाइम पर रहते और दूसरे क्या तो भी प्रोग्राम रख लेते भी रहते छऊ रहती और ये माहौल भी 7 एकड़ का जगह है, ये 7 एकड़ में एक 3-4 हजार झाड़ा पड़े तो ऑक्सीजन भी बढ़ता है, वेंकटरमना कॉलोनी ये थोड़ा कंट्रोल होता, पोल्यूशन कंट्रोल होता, मेन फायदा वो। और आज कर्नूल सुल्तानिया ईदगे में सलीम भाई के अदवरे में यहाँ के झाड़ों को सभी जो है जो ज्यादा बढ़ गए हैं उसको कटिंग करके और दूसरे झाड़ भी लगाए गए हैं, और इस प्रोग्राम में हमारे को साथदारी देने के वास्ते कर्नूल स्पेशल डीएसपी महबूब बादशाह सर भी आए हैं और सारे दूसरे लोग भी आए हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं कर्नूल के आवाम को भी ये पैगाम देना चाहता हूं कि आगे जाकर आप लोग भी अपने एरियो में अपने शहर में और आसपास के जो गार्डन है वहां भी आप झाड़ लगाएं और ये झाड़ों को जो है सेव करें और एनवायरमेंट को बचाएं और पॉल्यूशन जो आजकल जो बढ़ जा रहा है उसको कम करने की कोशिश करें। शुक्रिया। मेरा नाम के एम अब्दुल सलीम आटे, एक्टिविस्ट सोशल वर्कर। अलहमदुल्ला मौला मिशन दरगाह बुधारपेट संतोष नगर के कब्रस्तान के काम भी अलहमदुल्ला हमारे से काम करा ले रहे हैं, हमारी टीम है इसमें खादरी हमारे बा डॉक्टर साहब है और मंसूर है, अलहमदुल्ला सो हमारे इनके सो साथदारी तरफ से डीएसएम महबूब बादशाह साथदारी दे रही। और नया ईदगाह में ऑलरेडी झाड़ा है, ये झाड़ा गिर जा रही इसको